गुड मॉर्निंग एम बी ए थर्ड सेम, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलाइजेशन। टुडे विल बी स्टार्टिंग द थर्ड यूनिट ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द टॉपिक इज, फर्स्ट टॉपिक इज एच आर ऑडिटिंग। ओके, आपने सुना होगा ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट की ऑडिटिंग होती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ऑडिटिंग भी जो है रिसेंट ट्रेंड है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिटिंग। उसके अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसके पूरे एनालिसिस, उसकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। ओके, सो दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स ऑडिटिंग। डेफिनेशन क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग पॉलिसीज, डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एच आर डिपार्टमेंट टू रिवील द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एच आर डिपार्टमेंट। ठीक है, एच आर डिपार्टमेंट की पॉलिसीज कैसी है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ठीक है, सिस्टम किस तरह का है, प्रैक्टिसेस कौन कौन सी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एच आर डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स ऑडिटिंग की जाती है। ओके, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंस क्या, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एच आर डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ऑडिटिंग करते हैं तो हमें एच आर डिपार्टमेंट की वैल्यू पता लगती है कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने में। ओके, सेकेंड वन इज इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल इमेज ऑफ एच आर डिपार्टमेंट, जो इमेज होती है, प्रोफेशनल इमेज होती है एच आर डिपार्टमेंट की, वो इम्प्रूव होती है। थर्ड, क्लासिक क्लैरिफिकेशन ऑफ एच आर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब एनालिसिस किया जाता है पूरे एच आर सिस्टम का, ठीक है, तो कुछ कमियां निकलती है, कुछ स्ट्रेंथ निकलती है, तो जब कमियां निकलती है तो सबको पता लगता है कि हमारी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एच आर डिपार्टमेंट के पर एक व्यक्ति को। फाइंडिंग एच आर प्रॉब्लम्स, जब वीकनेस आती है तो हमें पता पड़ता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एच आर डिपार्टमेंट की ये प्रॉब्लम्स है और उनका कैसे अपने को सॉल्यूशन निकालना है। ओके, लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लायंसेस। लीगल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उसको लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये सारा जो लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं, वो मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये इंश्योर करता है एच आर ऑडिटिंग कि ये लीगल रिक्वायरमेंट और कंप्लायंसेस फुलफिल किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ वी विल मूव टू द अप्रोचेस ऑफ एच आर ऑडिटिंग। ओके, कौन कौन सी अप्रोचेस यूज की जाती है एच आर ऑडिटिंग करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट वन इज कंपेरेटिव अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है, आपकी कंपनी की तरह एक कोई दूसरी कंपनी है जो सबसे बेस्ट एच आर प्रैक्टिसेस यूज कर रही है। ओके, तो उसकी प्रैक्टिसेस को, उसकी पॉलिसीज को हम स्टैंडर्ड मानते हैं और जो फर्म जिसकी ऑडिट कर रहे हैं उसके वो स्टैंडर्ड लेके हम उसकी फर्म की और एच आर सिस्टम की ऑडिटिंग करते हैं। वो एक स्टैंडर्ड है और आपका परफॉर्मेंस उसके हिसाब से कैसा है, ठीक है, इसलिए नाम पड़ा कंपेरेटिव, क्योंकि हम एक अच्छी इंडस्ट्री से आपको कंपेयर कर रहे हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल ऑडिट। इसके अंदर क्या होता है, कोई एच आर फील्ड का एक्सपीरियंस व्यक्ति या कंसल्टेंट जो होता है वो डिसाइड करता है बेंचमार्क, ठीक है, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एच आर सिस्टम इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, इसलिए वो बाहर का व्यक्ति होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। तीसरा है स्टैटिस्टिकल अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर से हम पुराना रिकॉर्ड लेते हैं, ठीक है, उसमें कुछ मैथमेटिकल स्टेटिस्टिकल अप्रोच लगा के हम प्रेजेंट में क्या एच आर की प्रैक्टिसेस पॉलिसीज होनी चाहिए उसको हम उसको बेस बना के उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर एच आर सिस्टम की ऑडिटिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कंप्लायंस अप्रोच, जो हमने यहाँ पे बात की। इसके अंदर क्या होता है कि रेंडमली कुछ एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट किए जाते हैं जो रिक्रूटमेंट सेलेक्शन में यूज हुए, ठीक है, पी एफ आई ई एस आई रिपोर्ट उठाई जाती है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है कंपनी का। तो कंप्लायंस अप्रोच के अंदर क्या है कि हम कुछ सैंपल्स लेते हैं, रैंडम सैंपल्स लेते हैं इन चीज़ों के और ये देखते हैं कि किस किस हद तक उन्हें फॉलो किया गया है, ठीक है, प्रमोशनल पॉलिसी सही है या नहीं है, ठीक
ठीक है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी सही है या नहीं है, ठीक है, आपने मिनिमम वेजेस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो एम्प्लॉयज को, ठीक है, और आप जो इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कीम्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, तो लीगल कंप्लायंसेस जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी एक मेथड है, ठीक है, मॉडर्न मेथड है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है, और फिर एचआर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हो चुके हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन, बेनिफिट्स एंड अप्रोचेस टू एचआर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।